अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एग मायोनीज सैंडविच की रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इसके लिए हमें एग चाहिए 3 अदद और इन्हें बॉईल करके छोटा छोटा काट लें। खीरा चाहिए हमें हाफ, इस बगैर छिलके के आप बारीक बारीक चॉप कर लें, या इसे आप थोड़ा सा कतलों में भी काट सकते हैं। बंद गोभी को भी धो के अच्छी तरह से चॉप कर लें। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो दही की शामिल करेंगे, हाफ कप इसमें मायोनीज़ का शामिल करेंगे, नमक हसबे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक पेस्ट जो है वो रेडी कर लिया है। तो व्यूअर्स, ब्रेड को हमने मायोनीज लगा के इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। हमने दोनों स्लाइस पे मायोनीज स्प्रेड कर ली है। व्यूअर्स, अब यहाँ पे ब्रेड पे जो है वो मायोनीज लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लगाएं, क्योंकि हमने मटेरियल में जो है वो मायोनीज इस्तेमाल की है। अब हम अच्छी तरह से एक पीस पे पेस्ट जो है उसे फैला देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पेस्ट हमने फैला लिया है। अब हम इसकी दूसरी साइड से इसे कवर कर लेंगे और इसके किनारों को जो है वो हम काट लेंगे। तो व्यूअर्स, जो इसके किनारे हैं वो भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इन्हें हम सुखा के तो इसके हम ब्रेड क्रम्ब जो है वो तैयार करके रख लेंगे, ताकि हमारी किसी और रेसिपी में ये यूज़ हो जाएं। तो माशाल्लाह किनारे काट लिए हैं। अब हमने तवे को प्री हीट कर लिया है और इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लिया है। अब हम सैंडविच की एक साइड को लाइट सा ब्राउन कर लेंगे और साथ ही इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे, ताकि वो भी लाइट ब्राउन हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, आप देखें कि हमारी दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे सेंटर से काट लेते हैं। सैंडविच जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और ये 2 से 3 मिनट में रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन पर प्रेस करना है, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, अल्लाह हाफिज़।